हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे और प्रैक्टिस आपकी चल रही होगी। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं ग्राउंड की जगह मैं कमरे के अंदर क्यों बैठा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि आज मौसम बहुत ही ख़राब है और बाहर बरसात हो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट शेयर करना चाहता था, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा आपके साथ वो शेयर किया जाए। तो आज बात करते हैं कि क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसके अंदर पांच ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिसमें से आप कौन सा चुनते हो और आपको क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारे उन पांच खिलाड़ी जो आप बनना चाहते हो। उन पांच खिलाड़ी में से आप कौन सा बनोगे वो मैं आपको बताऊँगा। अब कौन से पाँच खिलाड़ी होते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला खिलाड़ी होता है जबरदस्ती वाला खिलाड़ी। जी हाँ, जबरदस्ती वाला खिलाड़ी का मतलब आप क्रिकेट नहीं खेलना चाहते या आप स्पोर्ट्स में नहीं आना चाहते, फिर भी आप अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर आपने ये स्पोर्ट्स सेलेक्ट किया है, और जब आप फिर भी आप खेल रहे हो लेकिन आपका मन नहीं है, तो आप बिना मन के उस स्पोर्ट्स को सेलेक्ट किया हुआ है। आप क्रिकेट खेल रहे हो या कोई और स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तो ये हो गया जबरदस्ती वाला खिलाड़ी। यानी पापा ने बोला है, मम्मी ने बोला है क्रिकेटर बनना है तो बनना पड़ेगा, मुझे शौक नहीं है लेकिन मैं पिताजी के लिए खेल रहा हूँ, तो ये खिलाड़ी थोड़ा सा गड़बड़ वाला है क्योंकि वो अपना गेम 100% नहीं दिखा पाएगा। कारण 100% नहीं दिखा पाएगा तो उसका गेम बोलेगा नहीं, गेम बोलेगा नहीं तो वो टीम से बहुत ही कम ही कनेक्टेड हो पाएगा और बहुत कम गेम्स खेलेगा और वो बहुत ही जल्दी बाहर हो जाएगा। तो जबरदस्ती वाला खिलाड़ी बिल्कुल नहीं बनना है। अगर आपका मन नहीं है तो आप इस गेम को छोड़ दो, इस स्पोर्ट्स को छोड़ दो, और जो आपका मन करता है वो करो, अपने ड्रीम्स के पीछे भागो, सक्सेस अपने आप मिलेगी। लेकिन जबरदस्ती वाला प्लेयर कभी नहीं बनना। दूसरा प्लेयर होता है लकीर का फकीर। जी हाँ, लकीर का फकीर का मतलब होता है क्रिकेट खेल रहा है, एकेडमी ज्वाइन कर लिया, अब कोच टीम में रखेगा तो अच्छी बात है, नहीं रखेगा तो भी अच्छी बात है, जब रखेगा तो खेल लेंगे, नहीं रखेगा तो नहीं खेलेंगे, तब तक हम तो अपना गेम चला ही रहे हैं, एकेडमी में तो ज्वाइन कर ही लिया है, अब क्रिकेटर तो मैं बन ही जाऊँगा। तो इस टाइप के एटीट्यूड वाला खिलाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पैसे खर्च करने से अगर कोई बड़ा आदमी या अच्छा खिलाड़ी बन पाता तो अभी तक कई करोड़पतियों के बच्चे बहुत अच्छे प्लेयर बन गए होते। तो लाखों रुपए के बैट खरीदने से छक्के नहीं लगते हैं, छक्के लगते हैं मेहनत से। अपने गेम के प्रति आपका जो डेडिकेशन है वो होगा तब। तो लकीर का फकीर नहीं बनना। लकीर का फकीर बनोगे तो थोड़े टाइम के लिए तक आप उसमें सर्वाइव कर जाओगे लेकिन बाद में आपको टीम से निकाल दिया जाएगा। तो दूसरा वाला भी कट। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा खिलाड़ी होता है जो किस्मत को रोता रहता है। खेलने गया, आउट हो गया जीरो पे, फिर अगले दिन खेलने गया फिर आउट हो गया, रन आउट हो गया, तो क्या एक्सक्यूज देता है आके, किस्मत खराब है यार, अभी चल नहीं रही है किस्मत और फॉर्म में नहीं हो ना इसलिए आउट हो रहा हूँ, तो कुछ कर नहीं रहा है लेकिन क्या हो रहा है, किस्मत को लेके रोता जा रहा है। तो जब तक किस्मत को रोते रहोगे तब तक आप खिलाड़ी आगे अच्छा प्लेयर नहीं बनेगा। यानी किस्मत कब बदलती है, जब आप मेहनत करते हो, जब आपके चेहरे पे पसीना आता है तब वो रंगत निखार आता है, तब वो खिलाड़ी आगे बढ़ता है। तो किस्मत को वो लोग रोते हैं जो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते और जो चल रहा है राम भरोसे उसी पे चलते जा रहे हैं। तो यानी बच्चों, तीसरा वाला राम भरोसे किस्मत का खिलाड़ी नहीं बनता है। अपने आप को ऐसा बनाओ कि किस्मत आपका हाथ पकड़े। अब बात करेंगे हमारे चौथे खिलाड़ी की। चौथा जो खिलाड़ी होता है वो होता है किलर इंस्टिंक्ट वाला, यानी मरो मरो। वो खिलाड़ी क्या करता है,
जोश तो बहुत होता है लेकिन होश नहीं होता। खेलने आएगा, 10 बॉल में 20 रन चाहिए, अभी मार दूंगा, अभी बना दूंगा, और खेलता है तो कभी तो बन जाते हैं और कभी नहीं बनते तो आउट हो जाता है। तो जोश तो बहुत है लेकिन होश का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो इतना एग्रेसिव होना भी गलत है। तो किलर इंस्टिंक्ट होना बहुत अच्छा है लेकिन उसके साथ होश भी होना चाहिए। तो कुछ खिलाड़ी होते हैं जो मरे मारे जैसे खेलते हैं लेकिन बहुत जल्दी अपना गिव अप कर देते हैं, यानी अगर वो लगातार भी 4-5 बार मारने के चक्कर में आउट हो गया तो उसका दिल तो ऐसे ही टूट जाता है, फिर वो सोचता है कि मुझे क्रिकेट ही नहीं खेलना है। तो किलर इंस्टिंक्ट अगर आपको रखना है तो होश के साथ रखो, और होश साथ में रखना है और गंवाना नहीं। तो जोश और होश अगर दोनों साथ में है तो आप किलर इंस्टिंक्ट खिलाड़ी अच्छे बन सकते हो, नहीं तो ये खतरनाक हो सकता है। अब जो सबसे लास्ट खिलाड़ी है वो है सबसे बेस्ट, सेल्फ अपडेट करने वाला, यानी जो खिलाड़ी अपने आप में सुधार करता जाए वो है सबसे अच्छा खिलाड़ी। यानी आप आज कैसे आउट हुए थे वैसे कल आउट नहीं होना है, कल जैसे आउट हुए वो परसों वैसे आउट नहीं होना है। तो जो खिलाड़ी अपने आप में बदलाव लाता रहता है वो खिलाड़ी हमेशा आगे जाता है। तो आप जो गलतियां करते जा रहे हो उन गलतियों को बदलते जाओ और आप हमेशा से एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में आगे आते जाओगे। जैसे विराट कोहली है तो वो हमेशा अपने आप को अपडेट करता है, आपने देखा कभी वो पहले वाली जैसे आउट हुआ है तो अगली बार वैसे आउट नहीं होगा। तो ये होती है अच्छे खिलाड़ी की पहचान। तो ये था ट्यूटोरियल कैसे हम अपनी स्टाइल चुने। तो आप इन 5 में से आपको सबसे लास्ट वाला रहना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरे ऐप को डाउनलोड कर लेना और आपको वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, टिल देन गुड बाय। यह है देसी क्रिकेट, देसी स्टाइल। नमस्ते।